होली का त्यौहार सबसे बड़े त्यौहारों में से एक है। होली के त्यौहार में आप मजे तो करते हो, सब लोग खुशी खुशी होली तो खेलते हैं, पर इसी दौरान आप अपने स्वास्थ्य के बारे में भूल जाते हो और होली खेलने में मग्न हो जाते हो। ऑनेस्टली आप सबको ये पता ही है कि होली के कलर्स में आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस होती है, यानी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, पर फिर भी आप उसे इग्नोर यानी नजरअंदाज कर देते हो। वो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस एक बहुत ही खराब तरीके से आपकी स्किन यानी आपके त्वचा को इफेक्ट करती है। वो केमिकल्स आपके स्किन को और रूखा बना देती है और इसी के चलते स्किन यानी त्वचा में रैशेस आने लगती है, और उन केमिकल्स के चलते आप स्किन एलर्जीज और इरिटेशन जैसी चमड़े की प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी होली सुरक्षित हो, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप होली का मजा भी ले लोगे और आपका स्किन पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। नंबर 8, वियर फुल क्लॉथ्स। आप ज्यादातर ये देखते होंगे कि लोग किसी भी कपड़े को पहनकर होली खेलने निकल जाते हैं, पर आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपके शरीर को अच्छे से ढक सके, जो आपके चमड़े के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को रंग से बचा सके। ये तो आपको मानना ही होगा कि आप कितना भी प्रोटेक्ट कर लो, ये रंग आपको थोड़ी सी नुकसान तो पहुंचाएगी ही। इसलिए अगर आप अपने शरीर के मैक्सिमम एरिया को कवर करोगे तो ये इंश्योर हो जाएगा कि आपके शरीर का कम से कम पार्ट रंग के संपर्क में आएगा। फुल स्लीव शर्ट एक अच्छी चॉइस है। फुल कपड़े पहनने के चलते ज्यादातर कलर्स आपके कपड़ों पर ही लगेगी और स्किन पे कम लगेगी। नंबर 7, अप्लाई कोकोनट एंड मस्टर्ड ऑयल। जब आपका चमड़ा सूखा होता है तब आपके चमड़े के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, और इस परिस्थिति में कोई भी केमिकल आसानी से आपके चमड़े के अंदर चली जाती है, उसे पेनिट्रेट कर देती है, और इसी के चलते आपका चमड़ा उस हानिकारक केमिकल के संपर्क में आ जाता है, और इसी के चलते आपके चमड़े को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसी से बचने के लिए होली खेलने के पहले आपको अपने पूरे शरीर में कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल को लगा लेनी चाहिए। और अगर बालों की बात करें तो बालों के लिए सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। अगर आप ये लगा के खेलोगे तो होता ये है कि आपके चमड़े के सूखे पोर्स भर जाते हैं और आपका स्किन मॉइस्चराइज हो जाता है, और जो रंग होता है वो आपके चमड़े को इफेक्ट नहीं कर पाता और आसानी से स्लिप करके निकल जाता है। एक तरह से कह सकते हो कि ये आपके चमड़े के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देता है, इसलिए सिर्फ एक दो बार धोने के बाद ही वो रंग पूरी तरह से आपके त्वचा और बालों से दूर हो जाएगी। नंबर 6, ड्रिंक मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर बिफोर प्लेइंग होली। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको किसी भी हाल में अपने चमड़े को सूखा नहीं रखना है, जिसके चलते वो केमिकल्स आपको इफेक्ट कर दे। तो आप तेल लगाओगे तो त्वचा ऊपर से मॉइस्चराइज हो जाएगी, सूखापन हट जाएगा, लेकिन अंदर से भी करना उतना ही जरूरी है, और पानी बिल्कुल यही काम करता है। पानी आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और साथ ही साथ आपके चमड़े को अंदर से मॉइस्चराइज कर देता है, उसे सूखा नहीं रहने देता है, और इसी के चलते वो केमिकल्स आपको इफेक्ट नहीं कर पाती है। इसलिए कम से कम 2 से 2.5 ग्लास पानी तो जरूर पीजिए होली खेलने के आधे घंटे पहले। नंबर 5, वियर सनग्लासेस। आपका आंख बहुत नाजुक अंग है, और अगर रंग आपके आंखों के अंदर घुस गई तो इरिटेशन और एलर्जी जैसी चीजें भी हो सकती है, इसलिए इसको तो आप रिस्क पर नहीं छोड़ सकते, और इसी के चलते आंखों में चश्मा लगा के होली खेलना सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसलिए चश्मा लगा के होली खेलोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पर ये सब करने के बाद भी अगर किसी तरह आपकी आंखों में रंग चला जाए तब आप ठंडे पानी से आंखों को धो लेना। इस बात को सुनने के बाद आपके मन में ये बात आएगी कि इसमें क्या नई बात है। देखो, ठंडे पानी से आंखें धोनी चाहिए ये तो सबको पता है, पर एक नई बात ये है कि अगर आपकी आंखों में कलर घुस गया तब भूलकर भी आंखों को रगड़ना नहीं। देखना, अगर कभी भी आपकी आंखों के अंदर रंग जाएगा तब आपको आंखों को मसलने का मन करेगा, लेकिन इसी काम को आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे वो इरिटेशन और भी बढ़ जाती है और उसका असर और भी बढ़ जाता है। इसलिए बिना रगड़े जल्दी से जाकर ठंडे पानी को आंखों में मारना चाहिए। नंबर 4, डोंट रब योर स्किन टू मच। जब होली खेलने के बाद आप रंग को हटाने के लिए जोर जोर से अपने त्वचा को रगड़ते हो, वो भी आपके त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती है। जितना आप रगड़ कर रंग छुड़ाने की कोशिश करोगे उतना ही नुकसान आप अपने त्वचा को पहुंचाते हो। पहली बात कि अगर आप स्किन पे तेल लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं, क्योंकि तेल के चलते वो कलर आराम से उतर जाएगा आपके त्वचा से। पर फिर भी अगर वो नहीं छूटती तो जोर जोर से ना रगड़ें, धीरे धीरे उस रंग को छुड़ाने की कोशिश करें। नंबर 3,
यूज ब्रांडेड कलर्स। जब आप रंग खरीदने जाते हो तब आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि आप एक ब्रांडेड कलर को ही खरीद रहे हो, कहीं भी ऐसी वैसी दुकान से रंगों को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ये नुकसानदायक रंग होते हैं वो सब अनब्रांडेड होते हैं और वो सब सस्ते में मिलते हैं। पर अपने स्वास्थ्य के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, इसलिए आपको हमेशा ब्रांडेड रंग ही खरीदनी चाहिए। नंबर 2, यूज नेचुरल हर्बल कलर्स। होली खेलने की इससे अच्छी टिप और कोई हो ही नहीं सकती। होली सकारात्मकता को हमारे चारों ओर लाता है, तो उस सकारात्मक वातावरण के बीच में केमिकल्स की नकारात्मक वातावरण को क्यों लाना। प्राकृतिक रंग पूरी तरह से सेफ होती है और उसके इस्तेमाल से आप कितने भी घंटे खेल लो कोई नुकसान नहीं होती। वो सब पेड़ पौधों से बनी होती है, इसलिए वो आपके त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती। नंबर 1, डोंट ईट एनीथिंग व्हाइल प्लेइंग। होली खेलने के समय आपको न खाना चाहिए और न ही कुछ पीना चाहिए। अक्सर आपने ये देखा होगा कि होली खेलने के दौरान ही आपको प्यास लगता है और आप पानी पीने लगते हो, या फिर कोई आपको मिठाई खिला देता है। तो सिंपल सी बात है कि खेलने के दौरान वो केमिकल्स उस मिठाई या फिर पानी के साथ मिलकर आपके पेट में चली जाती है, और इससे खतरनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। इसलिए तो मैंने बोला था कि होली के पहले ही आप पानी पी लेना, ताकि आपको बीच में प्यास न लगे।